हेलो हाय फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 11.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। इसके अंदर अपन को टोटल 5 बिट्स है फ्रेंड्स, एक एक करके अपन पूरा बिट्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट बिट देखिए फ्रेंड, एवेल्युएट टैन 36 डिग्री बाई कॉट 54 डिग्री। सो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है, इसको अपन सॉल्व करना पड़ेगा। टैन 36 डिग्री बाई कॉट 54 डिग्री, ओके फ्रेंड्स। अपन इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। सो सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड्स, अगर टैन 36 का ही वैल्यू निकाल सकते हैं, आप कॉट 54 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं यहां से कॉट थीटा का वैल्यू निकाल लूंगा, दैट इज टैन 36 का वैल्यू निकालूंगा, तो मुझे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, टैन 36 का वैल्यू निकालना है मुझे। टैन 36 डिग्री इज इक्वल टू, तो देखिए टैन 36 डिग्री वैल्यू निकालने से पहले क्या अपन को कॉट थीटा इज इक्वल टू टैन 90 माइनस थीटा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता। कॉट थीटा इक्वल टू टैन 90 माइनस थीटा है, बट क्या मैं टैन को इस तरह लिख सकता हूँ, टैन 90 माइनस 54 लिखूंगा तो क्या मुझे टैन 90 माइनस 54 करने पर टैन 36 आ जाएगा। 90 माइनस 54 करने पे टैन 36 आ जाएगा, बट टैन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बोल रहे हैं, तो कॉट थीटा इन द सेंस कॉट थीटा क्या है इधर 54 है, विच इज इक्वल टू, तो जब मैं टैन 36 का वैल्यू, टैन 36 डिग्री इक्वल टू कॉट 54 आ रहा है मुझे, दैट इज टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट 54 बोलकर बोल रहे हैं, ओके। सो मैं क्या करूँगा, टैन 36 की जगह में अभी cot 54 सब्स्टिट्यूट करूंगा और इसको सॉल्व करूंगा। सो क्या कर सकता हूं फ्रेंड्स, मैं यहां पर tan 36 डिग्री by cot 54 इक्वल टू tan 36 की जगह में cot थीटा माइनस tan 90 माइनस थीटा से अपन को cot 54 आया tan 36 का, तो cot 54 लिख दिया मैंने और नीचे cot 54 है। सो जब एक cot 54 cot 54 कैंसिल हुआ तो 1 आएगा, तो इसका आंसर 1 है। आई होप आपको समझ में आऊंगा फ्रेंड। इस तरह अपन को इस बिट को सॉल्व करना था, ओके। अपन बहुत सिंपल वे में इसको सॉल्व किया है, इसी तरह अपन सेकंड बिट को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, सेकंड बिट क्या है, कॉस 12 डिग्री माइनस साइंस 78 डिग्री, तो इसको भी सेम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से डायरेक्टली मैं लिख दूंगा फ्रेंड्स। क्या होता है, कॉस 12 का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ओके तो साइन थीटा हो गया, तो इधर थीटा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कॉस 90 माइनस 78 इक्वल टू साइन 78 हो जाएगा फ्रेंड्स, तो कॉस 90 माइनस बोलते 90 माइनस 78 दैट इज कॉस 12 का वैल्यू कितना आया फ्रेंड्स, साइन 78 आ रहा, तो मैं यहां से डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करूंगा साइन 78 किसकी जगह में, कॉस 12 की जगह मैंने साइन 78 सब्स्टिट्यूट करा माइनस साइन 78, तो प्लस साइन 78 माइनस 78 करेंगे तो आंसर 0 आएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, मैंने बहुत सिंपल वे में इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके तो ये सेकंड वाला। और थर्ड वाला देखिए फ्रेंड, थर्ड वाला क्या है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री, ओके कोसेक 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री, इसको भी मैंने डायरेक्ट लिख लूँगा फ्रेंड्स, कोसेक का वैल्यू निकाल लूँगा, कोसेक 31 डिग्री का, तो कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सीकेंट थीटा है, तो मैं क्या कोसेक 90 माइनस 59 लिखूंगा, 90 माइनस 59 करेंगे तो 31 ही चाहेंगे फ्रेंड्स, तो सीकेंट 59 आ गया, तो इधर देखिए मैं कोसेक 31 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट 59 लिख दूँ, और इधर क्या है माइनस सीकेंट 59 है, तो प्लस 60 सेकंड 59 माइनस सेकंड 59 इक्वल टू 0, आंसर क्या आया इसका 0। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, ओके सो अभी अपन को इसके अंदर फोर्थ एंड फिफ्थ बिट भी उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो बिट देखिए फ्रेंड्स क्या है, साइन 15 डिग्री सेकंड 75 डिग्री, तो इसको भी मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, सेम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट इज साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कॉस थीटा हो जाएगा, बट साइन
क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ साइन 15 को, साइन 90 माइनस 75 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा मुझे कॉस 75 आ जाएगा। साइन 15 को 90 माइनस 75 लिखूंगा तो 15 हो जाएगा इक्वल टू कॉस 75। अभी मैं साइन 15 की जगह मैं कॉस 75 लिख दूंगा इंटू सीकेंट 75 है। देखिए फ्रेंड्स अपन को पता है सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा है, सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, तो मैं क्या सीकेंट की जगह मैं 1 बाई कॉस थीटा लिख दूं तो कॉस 75 डिग्री बाय 1 बाय कॉस 75 डिग्री, तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं कॉस 75 बाय कॉस 75, तो कॉस 75 कॉस 75 कैंसिल होके बचा के आंसर 1, तो दैट इज फोर्थ बिट का आंसर बना। ओके तो लास्ट बिट इस क्वेश्चन का ये भी देख लेंगे फ्रेंड्स, फिफ्थ बिट क्या है टैन 26 डिग्री, टैन 64 डिग्री, तो सेम इसको भी क्या करना है फ्रेंड्स, पहले टैन 26 को अपन क्या करेंगे दैट इज टैन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा हो गया, तो चाहे आप टैन 90 माइनस 64 करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा कॉट 64 आ जाएगा, 90 माइनस 64 कर दो 26 आएगा ना फ्रेंड्स, सो दैट इज मैं टैन 26 की मैं कॉट 64 लिख दूंगा, कॉट 64 इंटू अभी टैन की जगह मैं टैन 64 लिख दूँ, ओके टैन 64 लिख दूँ, बट अपने को पता है फ्रेंड्स टैन 64 टैन टीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं 1 बाई कॉट टीटा लिख सकता हूँ, टैन टीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट टीटा लिख सकता हूँ, तो क्या मैं इधर फाइनली लिख सकता हूँ कॉट 64 का कॉट 64 इंटू टैन 64 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 बाई टैन 60 सॉरी कॉट 64 लिख सकता हूँ, टैन था तो कॉट हो गया ना कॉट 64, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट 64 इंटू 1 दैट इज कॉट 64 बाई कॉट 64, सो कॉट 64 कैंसिल हुआ 1 आया, सो आंसर फाइनली 1। ओके सो आई होप आपको समझ में आऊंगा फ्रेंड्स, मैंने बहुत सिंपल वे में इसको समझाने की, आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए, थैंक यू।